हेलो मेरे प्यारे गेमिंग के दीवानों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इनक्रेडिबल गेम प्ले वीडियो में। और गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA सैन एंड्रियास, जो कि है GTA का ही पुराना वाला वर्जन, जिसमें होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग गेम प्ले मिशन। और गाइस, आज के हमारे इस वाले वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके मुँह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलने वाला है, मज़ा आया। Guys, without wasting your time, let's get started. So guys, अभी हमारा CJ अपनी यहाँ पर पुरानी सी Lamborghini, जो कि यहाँ पर नहीं है, एक पुरानी सी खटासा कार को लेके जाने वाला है डगन बॉस के पास। क्योंकि गाइस, अभी अभी CJ की बात हुई है डगन बॉस से, और गाइस डगन बॉस ने CJ को अपने पुराने से गेस्ट हाउस में बुलाया है कुछ इंपॉर्टेंट मिशन में। वैसे गाइस कर दिया, तो गाइस अभी हम यहाँ से सीधा चलने वाले हैं सैन फियोरा में, डगन बॉस के पुराने से गेस्ट हाउस में। और वैसे गाइस, ये डगन बॉस हमारा पुराना बॉस था, लेकिन गाइस अभी पिछले कुछ दिनों से हमने इसके साथ काफ़ी बड़ा स्कैम कर दिया था, जिससे गाइस इसने हमें यहाँ पर अपने काम से निकाल दिया था। और गाइस इसने क्या निकाला, हम खुद ही इसका काम छोड़ के आ गए थे। और गाइस फिलहाल अपनी गाड़ी को भगा के चलते हैं। और गाइस ये बीच में टक्कर मार, भाई ओ नो, तीन तीन गाड़ियों ने गाइस हमें टक्कर मार दी और हमारी गाड़ी की पूरी तरह से बैंड बजा दिए। तो गाइस अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक और नई व्हीकल की, और सामने से शायद से पुलिस वाले की गाड़ी आ रही है। और गाइस पुलिस वाला तो गया, और गाइस जल्दी से फटाफट से इस पुलिस वाले की बाइक लेके यहाँ से फुट लेते हैं, क्योंकि गाइस अगर पुलिस को पता चला तो वो गाइस हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो गाइस अभी फटाफट से अपनी गाड़ी यानी अपनी धूम मचाले को फुल ऑन स्पीड में भगा के चलते हैं डगन बॉस के पुराने गेस्ट हाउस में। और गाइस अभी मैंने अपनी गाड़ी को फुल ऑन स्पीड में घुमा लिया, और गाइस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं डगन बॉस के पुराने से गेस्ट हाउस में। और गाइस हम पहुंच गए डगन बॉस के गेस्ट हाउस में, यहाँ पर थोड़े से आगे यहाँ पर गाइस अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर लेते हैं, और गाइस चलते हैं फटाफट से डगन बॉस से मिलने के लिए। ओके भाई, यहाँ पर CJ आ चुका है डगन बॉस के गेस्ट हाउस में। और गाइस ये रहा डगन बॉस, ओ भाई पीछे से वार कर रहा है, ओ हो लगता है गाइस डगन बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, क्योंकि गाइस पिछली बार हमने डगन बॉस के साथ काफ़ी बड़ा स्कैम कर दिया था। लेकिन गाइस अभी डगन बॉस गुस्सा किसी और बात से लग रहा है। ओके गाइस, तो डगन बॉस ने हमें अपना पूरा काम समझा दिया है, और गाइस डगन बॉस का इस काम में हमारी मदद के लिए डगन बॉस का पुराना वफादार साथी जिसका नाम है डेविल, वो हमारा साथ देने वाला है। तो गाइस फटाफट से हम अपने डेविल के साथ इस पुरानी सी नई गाइस ZMR की बाइक यानी अपनी धूम मचा के चलता है फटाफट से अपने मिशन पे। और गाइस वैसे इस बंदे का नाम तो गाइस डेविल है, लेकिन गाइस की शक्ल सूरत से यह बिल्कुल डेविल वाला लुक नहीं आ रहा, क्योंकि गाइस ये बंदा बनियान में वैसे फिर रहा है, और गाइस नाम इसने अपना डेविल रखा हुआ है। तो ओके गाइस, अभी मैं आपको हमारा यहाँ पर सीन ऐसा है कि डगन बॉस का एक ट्रक है जो कि एक लिक्विड हाइड्रो ऑक्साइड से भरा हुआ है, उसको गाइस के लिए डगन बॉस के दूसरी वाली लॉस सॉन्टास की गैंग ने अगवा कर लिया यानी उसे चुरा लिया। और गाइस अभी हमें यह करना है कि हमें उस वाले हाइड्रोलिक ऑक्साइड्स के भरे हुए ट्रक को कैसे भी करके वापस ला के डगन बॉस के गैराज में पार्क करना है। तो गाइस अभी हमें फटाफट से अपने दोस्त नहीं गाइस डगन बॉस के साथ ही डेविल के साथ मिलकर उस ट्रक को कैसे भी करके हाईजैक करना। और गाइस वो ट्रक शायद से यहीं कहीं है इस रोड पे, जैसे हमें ढूंढना है। ओके गाइस, सामने एक ट्रक दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले मैं इस ट्रक का कंफर्म कर लेता हूँ कि यही ट्रक है कि नहीं है। ओके गाइस, लगता है यही ट्रक है, क्योंकि ये बंदे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा है, और गाइस सामने सारी वाली गाड़ियों को उड़ाते जा रहा है। वो देखिए गाइस, एक दो गाड़ी को तो ये ऐसे ही उड़ा दिया है। तो गाइस अभी फटाफट से इस ट्रक को बड़ी आसानी से और बड़ी सफाई से इसको हाईजैक करना होगा। और गाइस इसके लिए एक मिनट, ये क्या था भाई, ओ भाई साहब अब नहीं गाइस, लॉस सैंटोस गैंग की इतनी हिम्मत गाइस, इसने हमें टक्कर मार ली और हमें उड़ा दिया गाड़ी से। अब गाइस मैं फुल ऑन सीरियस मूड में आ चुका हूँ, और गाइस अभी मैं अपने यहाँ पर डेविल को इस ट्रक पे चढ़ाना होगा, जिससे गाइस इस ट्रक में अंदर जाके ड्राइवर की बैंड बजा सके। और गाइस इसके लिए हमें थोड़ी सी बाइक आगे पार्क करनी होगी। और गाइस ये ट्रक, एक मिनट रुक जाना यार, धीरे तो हो जा थोड़ा सा, लेकिन गाइस ये ट्रक वाला तो मान ही नहीं रहा। ओके गाइस कूद गया, ओ भाई डेविल तो भाई खतरनाक डेविल निकला भाई, अपने नाम की तरह ही डेंजरस और डेविल निकला, खतरों के खिलाड़ी। और गाइस इसने शायद से ट्रक वाले का एक भाई पटक ना दे। ओके
ओके गाइस, फाइनली हमारे डेविन ने हमारा काम कर दिया और गाइस इस ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। तो गाइस फटाफट से हम इस ट्रक में बैठते हैं और गाइस इस ट्रक को फटाफट से क्या लिखा हुआ है, ड्राइव द ट्रक बैक टू द गैराज। ओके गाइस, अभी हमें डगन बॉस के ट्रक को वापस गैराज में पार्क करना होगा। और गाइस यहाँ पर ये ब्रिज मुझे लगता है टर्न लेने के काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है। और गाइस यहाँ पर एक बंदा भी हमारे हाथों से निपट चुका है। और गाइस इससे पहले कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम हो, हमें यहाँ से जल्दी फटाफट से निकलना होगा, उससे पहले कि यहाँ के लोकल पुलिस को इस बात की भनक हो। और गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर इस ट्रक को घूम के, यानी सामने से ब्रिज से नीचे उतर के पहाड़ी रास्तों से गाइस पार्क कर लूँ, क्योंकि गाइस ऐसे घुमाने में तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है और गाइस शायद से यहाँ पर पुलिस भी आ सकती है। तो गाइस अभी हम फटाफट से हमारे दोस्त डेविल यार, जो कि हमारा अभी दोस्त बन चुका है, क्योंकि गाइस क्या खतरनाक हमारी तरह उसका जिगरा है। तो गाइस अभी हम फटाफट से हमारे दोस्त के साथ चलने वाले हैं इस ट्रक को पार करके। और गाइस इस ट्रक को हमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी और गाइस बिना किसी एक्सीडेंट के पार करना, क्योंकि गाइस एक तो इस ट्रक में हाइड्रोलिक लिक्विड ऑक्साइड और दूसरी तरफ गाइस अगर हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की, ओ भाई 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 बच गया भाई, ट्रक पूरा पलट गया था गाइस, यहाँ पर पूरा का पूरा आड़ा हो गया था, लेकिन गाइस किस्मत से यहाँ पर यह ट्रक बच चुका है। तो गाइस यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर गाड़ी तो ठुकती जा रही है, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, अभी हमें फटाफट से। और गाइस ये क्या, ओ नो, एक मिनट गाइस, ये ट्रक सांप की तरह क्यों घूमने लग गया भाई, ये ट्रक क्या घूमे जा रहा है। लेकिन गाइस अभी हमें सीरियसली थोड़ा आराम से इसको गाइस यहाँ पर आगे की तरफ ले जाना होगा। तो गाइस धीरे धीरे स्लोली इस वाले ट्रक को यहाँ से लेकर चलते हैं। तो क्या, और गाइस यहाँ से हमें साइड से राइट लेना है, आराम से। ओ भाई तोड़ दिए खंभे, ये तो मुझे पता ही था, क्योंकि गाइस ये एक तो ट्रक इतना बड़ा और दूसरा गाइस ये टर्न लेन में काफ़ी ज़्यादा इसको डिफ़िकल्टीज आती है, इसलिए गाइस ये एक दो खंभे तो ऐसे ही उखाड़ पे फिरता है। और गाइस अभी हमें पुलिस को तो शायद से भनक नहीं हुई, और गाइस अभी हम अपने यहाँ पर पहुँचने वाले हैं गैराज की तरफ, जहाँ से गाइस हमें ये ट्रक यहाँ पर पार्क करना है। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं डॉरटी, और गाइस यहाँ पर फटाफट से इस ट्रक को यहाँ पर पार्क कर देते हैं। ओके भाई आन दो इस ट्रक को यहाँ पर आन दो, और धीरे से पार्क करना भाई डेविल, तो कहीं थोड़ फोड़ ना दे, इतनी मुश्किल से लाए। ओके गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा मिशन हो चुका है पास, और इस मिशन के लिए गाइस डगन बॉस ने हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवेन्यू भी दिए। तो गाइस आज के हमारे इस वाले वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारा ये वाला जीडीए का वीडियो पसंद आया तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर ऐसे ही न्यू GD5 की वीडियो आपको हमारे चैनल पर चाहिए तो गाइस मुझे एक कमेंट जरूर नीचे कर देना। सो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, थैंक यू, खम्मा गणी।